दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए तीन स्टूडेंट्स की मौत के मामले पर सियासत जोर पकड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम बौछार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। पार्टी का कहना है कि कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनते क्योंकि ट्रांसफर या पोस्टिंग करना उनके अख्तियार में नहीं। वही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करप्शन में डूबे होने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा कि मानसून के आने के पता होने के बावजूद भी पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इधर इस सिलसिले में राजेंद्र नगर में आज एमसीडी का एक्शन भी देखने को मिला। एमसीडी का बुलडोजर इलाके में गैर कानूनी तरीके से बनी तामीरात पर जमकर कब्जा। 27 तारीख को दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पानी भरा जिससे तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लगातार अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। वजह यह है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इन मुद्दों को बुनाने में लगी है। पहले सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, ये वही कोचिंग सेंटर है जहाँ पर जिसके बेसमेंट में पानी भरा था। हालांकि ये लीगल था और इसमें स्टोर और पार्किंग के लिए इसको अलॉट किया गया था, NOC दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें कोचिंग सेंटर यानी क्लासेस चल रही थी जिसमें तीन बच्चों की डूबने से मौत हुई। उसके बाद से MCD का अमला कहीं ना कहीं हरकत में आया और आज बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे करीब 4 से 5 जो बुलडोज़र हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले ये जो फुटपाथ था वो तोड़ा गया है। हालांकि खाना पूर्ति करने की एक कोशिश ज़रूर है MCD की तरफ से और ये फुटपाथ तोड़ने के बाद यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ अभी यहाँ पर उपराज्यपाल VK सक्सेना पहुँचे थे, दिल्ली के उपराज्यपाल, और उन्होंने बच्चों से मुलाकात की यहाँ पर। हालाँकि उनको कुछ थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दो ग्रुप्स अलग अलग थे जिनसे मिलने को लेकर विरोध हुआ यहाँ पे। तो ये पूरी तरीके से अभी एरिया जो है वो पूरा बैरिकेड किया हुआ है। आप इसके देखेंगे यहाँ पर ये बैरिकेड है, इसके पीछे स्टूडेंट्स हैं जो अभी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीछे मीडिया कर्मी भी आपको देखेंगे और सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी हैं। बुलडोज़र लगातार यहाँ पर चालू है, यानी आप मान के चलिए कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया MCD की लापरवाही एक तरीके से देखने मिली, क्योंकि मानसून शुरू होने से पहले मीटिंगों का तो लगातार दौर चला, लेकिन मीटिंग्स के बाद जो ज़मीन पर काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जिसका नतीजा तीन बच्चों ने अपनी जान देकर गंवाई। रवि सिंह के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, दिल्ली।